मधुराति मधुर श्री जीवन धन गोविंद के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात परमाराध्य जीवन सर्वस्व श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे सांवरे सलोने, सरकार की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ उस पावन पवित्र वातावरण में चलें जहां शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कश्यप और अदिति मैया के माध्यम से बावन भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों ने बहुत आनंद मनाया, उत्सव मनाया, जात कर्म संस्कार किया गया, नामकरण संस्कार किया गया और बाद में जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार होने के बाद बालक ब्रह्मचारी बनता है और ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है कि वह भिक्षा मांग कर लाए और अपने गुरु को दे, फिर उसके बाद गुरुदेव उसको भोजन देते हैं। गुरुदेव के ही भरण पोषण में वह जीता है किंतु पुरुषार्थ जरूर करता है। हमारे बावन भगवान भी भिक्षा लेकर के जब गए तो गुरुदेव ने कहा इतनी भिक्षा से काम नहीं बनेगा, हमको तो अधिक भिक्षा चाहिए, आज्ञा कीजिए गुरुदेव कहां से भिक्षा लाऊं। तो कहा नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर बलि से भिक्षा लेकर आओ। गुरुदेव की आज्ञा मान करके जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम, ये ब्रह्मचारी का भेष बना करके माया से जब महाराज यज्ञशाला में गए तो प्रविष्टम वीक्ष भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः, भगवान के तेज को देखकर, ब्रह्मचारी के तेज को देख करके आचार्य प्रवर्षि शुक्राचार्य जी महाराज अपने शिष्यों के सहित और अग्नि के सहित खड़े हो गए और महाराज उनको तेज को देख करके वंदन किया। यजमानः प्रमदितो दर्शनीयम मनोरथम, यजमान भी बड़ा प्रसिद्ध महाराज प्रसन्न हुआ, प्रमुदित हुआ, ऐसा रूप आज तक उसने कभी देखा नहीं था। यज्ञशाला से बाहर निकल करके पादौ भगवतो बलिः, भगवान के चरणों में बलि साष्टांग वंदन करते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। बलि ने ब्रह्मचारी को देखकर कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ते नमस्तुभ्यम, तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत है इस यज्ञशाला में। ब्रह्मन
करवामते किम, मैं आपकी क्या आज्ञा पालन करूं, आपकी शरण में हूं। आपको देख करके एक भाव आता है कि ब्रह्मर्षियों का साक्षात तप ही मानो शरीर धारण करके आ गया है। ब्रह्मर्षियों का जो तप है वही पूंजीभूत हो गया है, वही साकार हो गया है और आपके श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो गया है। अद्य न पितरस तृप्तः, आज हमारे पितर तृप्त हो गए क्योंकि आप जैसा अतिथि हमारे घर में आया तो पितर भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारा वंशधर कितना पवित्र है, किसके पास पवित्र आत्मा महात्मा आते हैं। अद्यन पावितम कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। और सच कहें जब से सुध संभाली थी तब से मैं यज्ञ करता रहा, आज यज्ञ करना हमारा सार्थक हो गया। अद्य तुष्टक कृतुरहम यद भवान आगतो गृहान, हमारा यज्ञ करना सार्थक हो गया क्योंकि आप हमारे घर में आ गए। ब्रह्मचारी जी, आपके वेशभूषा को देखकर आदर तो होता ही है किंतु कुछ देने का मन होता है। देखो नारायण, ये देने का मन उदार लोगों का होता है। जो कृपण लोग होते हैं वो तो पाने की इच्छा में रहते हैं, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। ये बलि कहते हैं हमारा देने का मन हो रहा है, इसलिए यद यद वटो वांससी तस प्रतीक्ष में। हे ब्रह्मचारी जी, बटुक जी, आपको जो जो चाहिए, सच में उदार मना अपने मन से नहीं देता है, लेने वाले की आवश्यकता के आधार पर देता है। और देते समय ये ध्यान भी रखना चाहिए, देते समय ये ध्यान होना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। ये नहीं कि मरी बचिया बामन के नाम, आप लोग समझे कि नहीं समझे। गाय मर रही थी तो सोचा कि उठा के फेंकना पड़ेगा, तो कहा किसी पंडित जी को बुलाकर संकल्प दे दो बैतरणी पार करेगी। तो मरी बचिया कितनी दूर तक महाराज पार करेगी वो बचिया ही जाने। दान देते समय ये ध्यान रखें कि उत्तम से उत्तम वस्तु का दान दे। ऐसे नहीं कि महाराज गए तो महाराज पूजा वाली सुपारी दे दो, पूजा वाली साड़ी दे दो। अभी हमने तो कुछ दिन से, वैसे तो मना करता रहता हूं कि कुछ चढ़ाओ नहीं, किंतु शास्त्र विधियां हैं रुक्मिणी आदि ब्याह पर हमारी माताएं साड़ी आड़ी लाती हैं, तो अपने यहां तो कोई पहनने पहनाने वाला है नहीं, तो गधा बन के ज्यादा ढोकर ले भी जाए कहां जाए। तो जब जजमान परिवार की माताएं लेकर आती और मैं अच्छी होती है तो रख लेता हूं, और यदि खराब हुई तो जजमान की पत्नी को बुला के कहता हूं कि पोती पोते पोते के किसी का ब्याह होने वाला है तो उसी में चढ़ाना, तो हाथ जोड़ करती मेरी पोती ऐसी साड़ी पहनेगी। तो हमने कहा मेरी रुक्मिणी माँ ऐसी साड़ी पहनेगी, अगर तुम्हारी पोती ऐसी साड़ी नहीं पहन सकती है, बहू नहीं पहन सकती, तो हमारी रुक्मिणी माँ कैसे पहन सकती है। अरे हम दे किसको रहे हैं, हम भगवत भाव से भर करके दे रहे हैं कि हमारा ये पहुंचे। और जो हम देते हैं नारायण वही काटते हैं, ध्यान रखिएगा। पुराणों में कथा है बड़ी रसीली कि दुर्वासा महात्मा
नदी में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए। पर्व का समय था, बहुत भीड़ थी घाट में, नदी का प्रवाह बहुत तेज, और जो दुर्वासा महात्मा कौपीन धारण किए थे वो प्रवाह में बह गए। निर्वस्त्र घाट पर बहुत लोग खड़े हैं, अब निकलें तो कैसे निकलें। बहुत देर तक तो स्तोत्र पाठ करते रहे, फिर ज्यादा ठंडा जल हो तो स्तोत्र पाठ करते करते दांत कटकटाने लगते। अपने राम तो खूब ठंड में नहाए तो बोलो चाहे भले न बोलो दांत ही कटकट कटकट होने लगते, हिल जाता है शरीर। तो पास में दूर उस साइड में खड़ी हुई स्नान करने द्रौपदी आई थी, बड़ी बुद्धिमान थी द्रौपदी। उन्होंने पहचान लिया कि लगता है बाबा का वस्त्र बह गया है, तुरंत अपनी साड़ी फाड़ करके और नदी में प्रवाहित कर दिया, और जो साड़ी का टुकड़ा बहता हुआ हमारे महात्मा दुर्वासा के समीप पहुंचा, पकड़ लिया उन्होंने, रद्दा ढकने के लिए अपने सुयंग में लपेट लिया, बाहर निकले, वस्त्र बदले। द्रौपदी जब प्रणाम करने आई, महात्मा ने गदगद होकर के कहा, बेटा आज तुमने साड़ी का पल्लू फाड़ करके हमारे लिए अर्पित किया, मैं आशीर्वाद देता हूं जब तुम्हारी लज्जा जाने वाली होगी तो ठाकुर हजारों साड़ियां लेकर आएगा। सच में हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद वो काम करता है। हम देते समय ध्यान रखें कि कैसी वस्तु। मैं मानता हूं कि सबके पास सब कुछ नहीं होता है, जो हमारे पास है, जो हमारी औकात है, औकात के आधार पर ही दान देना चाहिए, दूसरों को देख करके नहीं। हमको जिस ढंग से ठाकुर, अब हमारे पास जो है, हमारे ठाकुर तो नारायण द्रव्याभावे अक्षतम समर्पयामी, आपके पास द्रव्य नहीं है तो ठाकुर जी को द्रव्य की जगह अक्षत दे दो तो खुश हो जाते हैं। पूजा पद्धति में वर्णन है, कोई पदार्थ नहीं है पूजन विधि में तो आप चावल चढ़ा दो, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। किंतु नहीं है तब, अगर हम देने की स्थिति में हैं तो लेने वाले से पूछें कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए नहीं क्या क्या चाहिए। यद यद वटो वांछसी तत् प्रतीक्ष में, ये यद यद जो शब्द है ना, केवल एक नहीं है, यद दो बार का प्रयोग है। आपको क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए सो हमको बता दो। धन चाहिए महाराज, सुंदर हो, ब्राह्मण बालक हो, तो ब्याह करने का मन हो, तो हमारे राज्य में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, किसी महाराज विप्र की सुता से तुम्हारा ब्याह भी करा सकते हैं। तुमको सोना चाहिए, सुख सुविधा संपन्न भवन चाहिए, गुणवत् धाम मृष्टम, क्या क्या चाहिए वह विप्र कन्याम बोलो तो सही। बहुत बार जब आग्रह किया तो भगवान मुस्करा करके बोले, सच में तुम अपने पूर्वजों के यश बढ़ाने वाले हो। सच कहें, शिष्य को देख करके यदि गुरु की याद आ जाए, पुत्र को देखकर यदि पिता की याद आ जाए किसी को, हमने कई बार देखा है रिश्तेदारियों में, किसी बालक के गुण को देख करके, उसके स्वभाव को देखकर लोग पूछते हैं, तुम अमुक के बेटे हो क्या? तो बालक पूछता कि आपको कैसे पता चला? बोले, हम तुम्हारे पिताजी के स्वभाव को जानते हैं, जैसे वो इस उम्र में थे वैसे तुम्हारा स्वभाव है। इन्होंने कहा, ये तो तुम्हारे पूर्वज के गुण तुम्हारे जीवन में लक्षित हो रहे हैं, क्यों ना तुम ऐसे हो, क्योंकि तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामह
सब बड़े उदार थे। महाराज इन्होंने खूब यश गाया, इनके पूर्वजों का बहुत खुश हो रहा था कि हमारे पूर्वजों को, एक बात ये भी मन मन में सोच रहा था कि हमारे पूर्वजों के बारे में इतनी जानकारी इनको कैसे है, देखने में तो छोटे बच्चे हैं किंतु हमारे बाप दादा की बातें सुना रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा इतने उदार, हिरण्यकश्यप की बात कही कि इतने वीर थे वो कि अपनी युद्ध कौशल से उन्होंने परमात्मा को भी प्रसन्न कर दिया। प्रहलाद की परंपरा को, ऐसे भक्त थे तुम्हारे परिवार के प्रहलाद जी महाराज कि उन्होंने खंभे से परमात्मा को प्रकट कर दिया। ये सुनकर के सोच रहा था ये छोटा सा बालक और बातें इतनी बड़ी बड़ी हमारे बाप दादा की कह रहा है। खुश होकर के कहा कि आप बहुत योग्य लगते हो, कुछ मांग लो तो हमको प्रसन्नता होगी। भगवान ने कहा यदि देना चाहते हो तो तीन पग पृथ्वी, वो भी मेरे पैर से नापूंगा। मम पदानि शब्द का प्रयोग किया गया है, तीन पग पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम। पैर दूसरे के नहीं होंगे, पैर हमारे होंगे, और तीन पग पृथ्वी चाहिए हमको, और कुछ चाहिए। नान्यत ते कामये राजन, मुझे और कुछ आवश्यकता है नहीं। बलि हंस गए।